हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि क्या होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और फ्रिक्वेंटली इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहता क्या है कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग में एक मदर से कॉपी आता है डीएनए का, दूसरा क्या आता है फादर से कॉपी आता है, मतलब दो कॉपी ऑफस्प्रिंग में मौजूद होते हैं, तो एक ही कॉपी क्या होगा एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस मतलब उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, जबकि दूसरे कॉपी का मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग द प्रोसेस बाय विच ओनली वन कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंडिविजुअल आइदर फ्रॉम मदर और फादर विल बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्या हुआ, एक्टिव होगा और उस जीन का मैसेंजर आरएनए बनेगा, जबकि दूसरा कॉपी सप्रेस होगा, रिप्रेस होगा, वो अपना एमआरएनए नहीं बना पाएगा। सही है, तो हमने डेफिनेशन को सीख लिया। अब अगला जो सवाल आता है कि इम्प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, ये दूसरा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। इम्प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, तो बात बहुत बड़ी सिंपल है कि जिस कॉपी को, मतलब या तो मदर के या फादर के कॉपी को क्या करना है, रिप्रेस करना है, सप्रेस करना है, एक्टिव नहीं करना है, उसको आप मिथाइलेटेड कर दीजिए। उस डीएनए की कॉपी को क्या कर दीजिए, मिथाइलेटेड कर दीजिए, तो कॉपी क्या होगा एक्सप्रेस नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हमको उसको एक्टिव रखना है तो उस डीएनए को क्या करेंगे, अनमिथाइलेटेड रखेंगे, अनमिथाइलेटेड रखेंगे, और स्पेशली क्या प्रमोटर रीजन में, क्योंकि प्रमोटर रीजन ही अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं जीन के एक्टिविटी को। सही है, तो हमने दूसरा बात भी सीखा। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको पिक्चर के मदद से और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉन इम्प्रिंटेड जीन। नॉन इम्प्रिंटेड मतलब जो क्लासिकल जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मेंडिलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें दोनों कॉपी एक्सप्रेस होते हैं। या तो ये आपका जो दिखाया गया है, ये जीन जो है दो कॉपी है और एक मदर से आया है और ये फादर से, और ये मदर से कॉपी, दो कॉपी मौजूद है कोई जीन के। तो नॉन इम्प्रिंटेड जीन में दोनों कॉपी एक्सप्रेस होते हैं और दोनों कॉपी एक्सप्रेस होने के बाद डिसाइड होता है कि उसका एक्सप्रेशन पैटर्न क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो जीन है कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो दोनों कॉपी का जीन बनेगा, कैपिटल टी का एमआरएनए बनेगा, स्मॉल टी एन ए का आरएनए बनेगा, और अल्टीमेटली क्या फिनोटाइप डिटरमाइन होगा वो डिफरेंट इशू है। लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो दोनों कॉपी बनेंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इम्प्रिंटिंग जीन्स के तहत ये प्रक्रिया आती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इम्प्रिंटेड जीन। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर भी दो तरह की परिस्थितियां की बात की गई है। एक में बात किया गया है मैटरनल इम्प्रिंटिंग और दूसरा में क्या किया गया है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। सही है, तो आप देख सकते हैं ये दो कॉपी ऑफस्प्रिंग में मौजूद है और यहाँ पर भी दो कॉपी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बोल गया मैटरनल इम्प्रिंटिंग, मतलब जो मदर से जो कॉपी आया है वो साइलेंस रहेगा, वो मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा। सही है, तो आप देख सकते हैं कि अब फादर का कॉपी क्या क्या है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, जबकि ये मैटरनल का जो एमआरएनए नहीं बन पा रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए कैसे इम्प्रिंटिंग किया जा रहा है, क्योंकि इसको मिथाइलेटेड कर दिया गया है। कौन सा मिथाइल, प्रमोटर रीजन वाले को क्या कर दिया गया, मिथाइलेटेड कर दिया गया है। तो ये कहलाएगा क्या कि मदर का कॉपी साइलेंस हुआ है, इसलिए मैटरनल इम्प्रिंटिंग हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे तरह का इम्प्रिंटिंग भी हो सकता है जिसको पैटर्नल इम्प्रिंटिंग कह सकते हैं। तो कुछ दूसरे जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जीन के लिए मैटर्नल जीन एक्सप्रेस हो सकता है या पैटर्नल जीन एक्सप्रेस हो सकता है, एक ही कॉपी एक्सप्रेस होगा, उसी का एमआरएनए बनेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भैया ये पैटर्नल इम्प्रिंटिंग हुआ, तो यहाँ पर आप पैटर्नल इम्प्रिंटिंग देख सकते हैं। सही है, और तो पैटर्नल इम्प्रिंटिंग हो गया तो पैटर्नल जो फादर से जो कॉपी जीन आया है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग कहेंगे। तो इसको हमने देखा आसानी से कि क्या होता है इम्प्रिंटिंग, मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है, सारे जीन इम्प्रिंटेड नहीं हो सकते। जैसे अगर हम जीनों की बात करें तो सारे जीन इम्प्रिंटेड नहीं हो सकते, कुछ जीन जो होते हैं इम्प्रिंटेड होते हैं, कुछ जीन इम्प्रिंटेड नहीं होते। जो इम्प्रिंटेड नहीं होंगे वो एमआरएनए बनाएंगे, दोनों कॉपी का एमआरएनए बनाएंगे, और इम्प्रिंटेड में खास स्पेसिफिक पेरेंट स्पेसिफिक क्या है, मतलब जो एक्सप्रेस होगा उसका एमआरएनए बनेगा। चलिए अब हम आगे आगे बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्या है, ये प्रोसेस डिफरेंट है। नहीं, क्लासिकल मेंडेलियन में क्या होता था, दोनों कॉपी एक्सप्रेस होता था,
तो ये एक समझिए कि भैया नॉन इम्प्रिंटेड मेंडिलियन चीज को फॉलो नहीं करते, इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, सही है। अब थोड़ा सा और हम विस्तार से एक पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की बात करें तो कभी कभी हम लोग इसको बोलते हैं ये फॉर्म ऑफ इपिजेनेटिक इनहेरिटेंस या फिनोमिना। और वहां पर आप पाते हैं कहने का क्या मतलब क्या कि बेस्ड अपॉन द मिथाइलेशन, डीएनए का मिथाइलेशन इम्प्रिंटेड डीएनए रीजन, वही बताता है कि क्या एक्सप्रेस होगा और क्या एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं इसको कि दो तरह का जो सिंड्रोम आप देखते हैं जैसे पीडब्ल्यूएस पैडर विली सिंड्रोम, एंगल मैन सिंड्रोम, यह जो होता है डिलीशन जो 15 नंबर क्रोमोजोम्स है ना, और उसमें आप देखेंगे कि उसका बैंड 11 जो है लॉन्ग आर्म का बैंड 11 को जो डिलीट किया जाता है उसके वजह से ये दो डिफरेंट तरह का सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है, सही है। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, समझिएगा इसको। अगर पीडब्ल्यूएस अगर इस तरह का सिंड्रोम हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कॉपी किससे आ रहा है, फादर से कॉपी आ रहा है और एक्टिव रहेगा, मतलब सेम क्रोमोजोम्स का डिलीशन रीजन अगर फादर से आ रहा है तो आपको पीडब्ल्यूएस मतलब पैडर विली सिंड्रोम का सिम्टम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेम डिलीटेड पोर्शन अगर मदर से आ रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन पैटर्न डिफरेंट रहेगा और उस तरह के सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं एंगल मैन सिंड्रोम। हमें नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, सही है। तो आप उस दोनों का जो सिम्टम है आपको अलग अलग दिखेगा, और यही तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है कि अगर मदर से आया तो डिफरेंट हो गया और फादर से सेम डिलीटेड वर्सन आया तो डिफरेंट हो गया। तो ये भी क्या एक तरह का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है। और उससे भी एक और सिंपल एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बोलता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आईजीएफ इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर इन माइस। तो आप देखेंगे कि जैसा हम पहले भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑफ स्प्रिंग में दो कॉपी होते हैं, एक मदर से आते हैं और एक फादर से आते हैं। तो इस केस में आईजीएफ जीन के केस में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के जीन्स में ये पैटर्नल कॉपी एक्टिव होता है, और मदर का कॉपी क्या होता है साइलेंट होता है। तो दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है मैटर्नली इनहेरिटेटेड है। मैटर्नली इनहेरिटेटेड मतलब क्या है कि मैटर्नल का कॉपी क्या होगा साइलेंट होगा और पैटर्नली क्या है एक्टिव है, सही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आईजीएफ जीन जो है कहने का क्या मतलब क्या कि अगर मान लीजिए फादर से आया है और जो कि एक्टिव है तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे उसके डिपेंडेंट जो भी फिनोटाइप है आपको देखने को सही मिलेगा। अगर म्यूटेटेड कॉपी, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर म्यूटेटेड कॉपी हो गया पैरेटर्नल का, फादर का कॉपी म्यूटेटेड है आईजीएफ का, तो क्या ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप क्या होगा वो भी म्यूटेटेड दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा क्यों, क्योंकि वही तो एक्टिव होना है, और जीन ही म्यूटेटेड है तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर आईजीएफ की बात करें, समझते हैं कि अगर आईजीएफ का क्या है, अगर मैटर्नली इनहेरिटेटेड होता, क्या होता मैटर्नली इनहेरिटेड होता और उसमें हम क्या कर देते म्यूटेटेड कर देते, किसको म्यूटेटेड कर देते जीन को, किसके जीन को आईजीएफ जीन को, तो उस परिस्थिति में क्या होता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। ये जो सारा हमने जो डिस्कशन किया है इंस्टेंट नोट ऑफ जेनेटिक्स में क्या है मौजूद है, और ये सारी बातें बिल्कुल विस्तार से अलग अलग जेनेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक को बताया गया जो एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।